हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख चुके होंगे, जिस पर मैंने हिंदी आलोचना के विकास क्रम और हिंदी आलोचना के विकास के जो विभिन्न चरण हैं उनकी विस्तार से व्याख्या की थी। अब हम उन चरणों का अलग अलग ढंग से अध्ययन करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि जो हिंदी आलोचना है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का आधार स्तंभ अथवा केंद्र बिंदु माना जाता है और उन्हीं को केंद्र में रखकर हिंदी आलोचना के इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, फिर शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को फिर से तीन भागों में बांटा जा सकता है, भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। उसके बाद जो शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना है उसका अध्ययन अलग से करेंगे। फिर शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना को पांच विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। तो आज हम अध्ययन करेंगे भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, यह जो पहला टॉपिक है। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना का जो पहला भाग है भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी उसका इस एपिसोड में अध्ययन करेंगे। और बाकी आपको जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उनमें अलग अलग एपिसोड मेरे आएंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी? भारतेंदु से पूर्व भक्ति और रीति युग में आलोचना के क्षेत्र में प्रयास हुए हैं। भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि वहां अलग से काव्य सिद्धांतों की चर्चा प्रायः नहीं हुई है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले भक्ति काल में कोई आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना नहीं की गई, काव्य सिद्धांतों की चर्चा नहीं की गई। भक्त कवियों के लिए काव्य रचना ईश्वर भक्ति का माध्यम है, इसलिए जहां ईश्वर है वहां उत्तम काव्य भी है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, ये सभी भक्त कवि इसी आदर्श को मानते हैं। मतलब भक्ति काल में कभी किसी समय समीक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो साहित्य सीधा भगवान को समर्पित है, जो ईश्वर को ही समर्पित है, इसलिए उसकी आलोचना करने, उसकी तुलना करने की कभी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। उसके समीक्षा करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस समय कवियों के द्वारा जो काव्य की रचना की जा रही थी वह केवल भक्ति का एक माध्यम था, भक्ति का केवल एक साधन था। यद्यपि तुलसीदास ने, तो यहाँ जितने भी भक्त कवि हुए हैं, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, ये सभी इसी आदर्श को मानते हैं कि जो साहित्य, जो रचना भगवान को समर्पित है वह हमेशा अच्छी ही होगी, इसलिए उसकी आलोचना की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि तुलसीदास ने सुर सर इसम सब का हित होई तथा गिरा अर्थ जल बीच इसम कहियत भिन्न न भिन्न कहकर काव्य के प्रति अपनी सजगता भी प्रकट की है। मतलब उनका क्या था, तुलसीदास जी जो काव्य लिखते थे स्वांता सुखा लिखते थे, अपनी खुशी के लिए लिखते थे और लोगों के हित करने के लिए लिखते थे, लोक हिताय और स्वांता सुखाय। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विचार को इसमें व्यक्त किया है। वैसे इस काल में भक्तों के जीवन विचार भक्ति से परिचित कराने वाले ग्रंथ लिखे जाने लगे थे, जिन्हें वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों की कविता के संबंध में कहीं कहीं विचार हुआ है। वास्तव में जो भक्ति काल में कभी कभी वार्ता साहित्य लिखे गए थे, और वार्ता साहित्य में क्या लिखा जाता था, भक्तों का जीवन, उनका विचार, उनकी भक्ति, इनसे परिचित कराने के लिए वार्ता साहित्य लिखने की उस समय प्रवृत्ति थी, वह प्रचलन में था। भक्त कवियों की कविता के संबंध में कहीं कहीं विचार हुआ है, मतलब वार्ता साहित्य में कहीं कहीं उनकी कविता के बारे में विचार किया गया है, लेकिन वह पूरी तरह से समीक्षा नहीं है। काव्य के वर्ण विषय, मतलब काव्य में जिन विषयों का वर्णन किया जाता है और शैली, उसका लिखने का स्टाइल या शैली कैसी है, संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त काव्य के जन साधारण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख हुआ है, किंतु इनमें प्रशंसात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया गया है। भक्ति काल में सूर के संबंध में इसी तरह विचार किया गया है। तो इस प्रकार भक्तमाल नाम की एक किताब लिखी गई थी उस समय, जिसमें भक्त कवियों के जीवन के बारे में लिखा गया था। तो उस समय क्या हुआ, काव्य में किस विषय का वर्णन हुआ है, काव्य लिखने की शैली क्या है और उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका इन वार्ता ग्रंथों में उल्लेख हुआ है, किंतु इसमें सिर्फ प्रशंसा की गई है, कोई कमी निकालने का प्रयास नहीं किया गया है, गुण दोष का विवेचन नहीं किया गया। भक्तमाल नाम की एक रचना है जिसमें बहुत सारे भक्त कवियों के जीवन परिचय दिया हुआ है, उसमें सूरदास जी के बारे में लिखा हुआ है,
उक्ति चोज अनुप्रकार प्रास वर्ण स्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिविदिष्ट हृदय हरि लीला भासी जन्म करण गुण रूप रसना करकाशी। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है, तो यह सिर्फ उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने सूर की भक्ति, सूरदास की भक्ति और कविता पर प्रसंगवश जो कुछ भी कहा है उसमें आलोचना के तत्व नहीं है, निहित है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे और सूरदास उनके फॉलोअर थे, उनके अनुयायी थे, पता है आपको। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास की भक्ति के विषय में जो कुछ भी कहा है अलग अलग प्रसंगों में, तो उसमें आलोचना के तत्व निहित है, लेकिन वह पूरी तरह से आलोचना नहीं है। रीति काल में मौलिक विचारों की प्रवृत्ति तो है, किंतु गूढ़ चिंतन और विषय के शास्त्रीय एवं यथार्थ ज्ञान का अभाव है। रीति काल में कुछ कुछ प्रयास जरूर किया गया आलोचना ग्रंथ लिखने का, लेकिन उसमें मौलिक विचार की प्रवृत्ति तो उस समय देखी गई, लेकिन उसमें जो गंभीर चिंतन होता था, तार्किक और लॉजिकल जो चिंतन होता था, शास्त्रीय एवं यथार्थ ज्ञान का अभाव था, शास्त्रों का और वास्तविक ज्ञान का अभाव था। इसका कारण यही हो सकता है कि उस काल में गद्य रचना की पुष्ट परंपरा नहीं थी। रीतिकाल का कवि पहले काव्य के अंगों का लक्षण देता था और बाद में स्वरचित कविताओं का उदाहरण स्वरूप रख देता था। रीतिकाल में गद्य का आविष्कार नहीं हुआ था, उसमें ब्रज भाषा में ही कविताएं और काव्य की रचना की जा रही थी। इसलिए क्योंकि आलोचना के लिए गद्य की परंपरा बहुत ही आवश्यकता है, आलोचना लिखने के लिए आपको गद्य होना ही है, जरूरी है। तो इसीलिए रीतिकाल के जो कवि थे पहले काव्य लक्षण का उल्लेख करते थे, काव्य के विभिन्न अंगों का, काव्य के विभिन्न लक्षणों का पहले उल्लेख करते थे और बाद में कविता के आधार पर उसका व्याख्या करते थे, उसका उदाहरण रखते थे। कुछ आचार्यों ने अपने काल के अन्य कवियों की कविताओं का भी उदाहरण के रूप में उपयोग किया है। इस काल में रीति ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए, रीति ग्रंथ लिखे गए यहाँ पर, जिनमें काव्य लक्षण दिए गए या फिर नायिकाओं का श्रृंगार वर्णन किया गया। आचार्यों ने प्रायः काव्य के सभी अंगों पर स्थूल रूप से विचार प्रकट किए, काव्य के जितने भी अंग होते होंगे और रस छंद अलंकार जो भी होते होंगे उन सभी के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इस युग में संस्कृत समीक्षा शास्त्र की कई शैलियों का अनुकरण किया गया, संस्कृत के जो समीक्षा शास्त्र थे, जो आलोचना ग्रंथ थे, उनका इन्होंने अनुकरण किया है। अनेक कवियों का शास्त्रीय विवेचन तो आचार्यत्व की कोटि तक पहुंच गया है, मतलब जो बहुत विद्वान होते हैं आचार्य स्तर के, उस लेवल तक उन्होंने उनका विवेचन किया है। कई बार ऐसे कवियों में प्रमुख हैं आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिखारी दास, देव, घनानंद, मतिराम बिहारी आदि। ये सब रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना किया और शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर कुछ काव्य का विवेचन भी किया और ये आचार्य की कोटि तक पहुंच गए, बहुत ही विद्वान स्तर तक लेकर गए। इनमें आलोचना की दो विशिष्ट धाराओं को देखा जा सकता है, अलंकारवादी और रसवादी। तो उस समय जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए या फिर जो आलोचना ग्रंथ लिखे गए पद्य के रूप में ब्रजभाषा में, तो उसमें दो प्रकार की धाराओं को देखा जा सकता है, अलंकारवादी धारा और रसवादी धारा। अलंकारवादी धारा के प्रवर्तक केशवदास हैं, तो रसवादी धारा के प्रवर्तक कौन कौन हैं? देव, मतिराम और बिहारी हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य केशवदास माने जाते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य केशवदास माने जाते हैं। संस्कृत के अच्छे विद्वान होने के कारण उन्होंने अलंकार शास्त्र का निरूपण हिंदी में सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया में अलंकार शास्त्र के प्रायः सभी विषयों का प्रतिपादन किया है। अलंकार शास्त्र के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है रसिक प्रिया और कवि प्रिया में। रसिक प्रिया का विषय रस है, इसमें श्रृंगार को ही प्रधानता दी गई है, रसिक प्रिया में श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई है। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका छंदों, अलंकारों और अन्य काव्य अंगों के उदाहरणों का संग्रह है, साथ ही इसके माध्यम से कवि ने प्रबंध काव्य के शास्त्रीय रूप का भी एक उदाहरण हिंदी साहित्य के सामने रखा गया है। इसीलिए रामचंद्रिका को आपने सुना होगा छंदों का अजायब घर कहा जाता है, बहुत विभिन्न प्रकार के छंदों का उसमें प्रयोग किया गया है और इस प्रकार एक प्रबंध काव्य को कैसा होना चाहिए इसको पढ़कर समझ में आ जाता है, महाकाव्य या फिर प्रबंध काव्य। चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति दास, भिखारी दास, चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति और भिखारी दास है यहां पर। चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, भिखारी दास और प्रताप शाही, ये भिखारी दास को मैं सही ढंग से लिख देता हूं आपको समझ में आ जाए। चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, भिखारी दास और प्रताप सिंह जैसे आचार्यों ने संस्कृत समीक्षा के अनुकरण पर ग्रंथों की रचना की है। यह सभी आचार्य अलंकारवादी धारा के प्रतिनिधि हैं। तो अलंकारवादी और रसवादी जो दो धाराएं थी आलोचना की,
या समीक्षा की, उसमें कौन कौन से हैं, चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति, भिखारीदास और प्रताप सिंह, तीनों ने संस्कृत समीक्षा ग्रंथों के आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की है और यह सभी अलंकारवादी धारा के प्रतिनिधि हैं। आगे देखते हैं, इस धारा में, अलंकारवादी धारा में चिंतामणि रचित कवि कल कल्पतरु और काव्य विवेक, सेनापति का कल्पद्रुम, श्रीपति का काव्य सरोज, प्रताप सिंह कृत काव्य विलास तथा देव रचित शब्द रसायन उल्लेखनीय है। तो यह ध्यान में रखिएगा, इनको याद करना है आपको। कवि देव मुख्यतः रसवादी धारा के हैं, लेकिन अलंकार शैली में भी उन्होंने रचना की है। रसवादी धारा के आचार्यों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद को प्रधानता दी है। अब देव जो है रसवादी है, रसवादी धारा के लोगों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद को प्रधानता दी है। मतलब नायिका की अलग अलग जो कैटेगरी है वहां पर कैटेगराइज किया गया था, किस प्रकार की नायिका होती होंगी, कितने प्रकार की नायिका भेद और श्रृंगार रस। इस शैली की विशेष उल्लेखनीय पुस्तकें हैं केशवदास की रसिक प्रिया, देवकृत भाव विलास रस विलास, भिखारी दास का काव्य निर्णय, पद्माकर रचित जगत विनोद, मतिराम की रसराज और बिहारी की बिहारी सत्सई। तो ये है रसवादी धारा। रीति काल में पद्यबद्ध टीकाएं भी लिखी गई है। टीका मतलब व्याख्या या विवेचना करना या व्याख्या करना। तो रीति काल में क्या है, विभिन्न कृतियों की पद्यबद्ध व्याख्या भी की गई, उन पर टीकाएं भी लिखी गई है। इनकी विशेषता आलोच्य वस्तु के अर्थ को अधिक स्पष्ट करना है, किंतु काव्य में निहित सौंदर्य का निर्देश नहीं हुआ है। पद्यबद्ध टीकाएं जरूर लिखी गई, मतलब इसको व्याख्या कहते हैं टीका को, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें जिस कृति की उन्होंने टीका लिखी है उसके अर्थ को स्पष्ट करना मुख्य उद्देश्य रहा है उनका, और काव्य में निहित सौंदर्य, उसका गुण दोष का विवेचन करना, उसके सौंदर्य का विवेचन करना मुख्य उद्देश्य नहीं था, उसके सौंदर्य पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। राजस्थान की एक कृति है कृष्ण रुक्मणी बेली की, कई टीकाएं लिखी गई है। तो इस कृति के बहुत सारे टीकाएं, बहुत सारे व्याख्या ग्रंथ लिखे गए, इनमें अलंकार निर्देश और काव्य सौष्ठव का विश्लेषण हुआ है। तो जो राजस्थान की जो कृति है कृष्ण रुक्मणी बेली, इसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों के संबंध में वर्णन किया गया है और काव्य सौष्ठव, काव्य का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कुछ टीकाएं राजस्थानी गद्य में भी लिखी गई हैं, कुछ टीकाएं राजस्थानी गद्य में भी लिखी गई हैं, उस समय पिंगल भाषा वहां पर प्रचलित थी। रीति काल के कुछ आचार्यों ने ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग भी किया, लेकिन गद्य का सम्यक विकास उस समय तक न होने के कारण अधिक सफलता नहीं मिल सकी। तो रीति काल के ब्रज भाषा में उस समय गद्य भी लिखा जा रहा था, तो कुछ आचार्यों ने ब्रज भाषा गद्य में आलोचना लिखने का प्रयास किया, लेकिन उस समय भी गद्य का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। वंशीधर और दलपति ने केशव, गंग, बिहारी, मतिराम आदि के छंदों के उदाहरण दिए और अलंकार युक्त अंशों का निर्देश कर दिया। तो इन्होंने अलंकार के संबंध में कुछ वर्णन किया, कुछ छंदों का उदाहरण दिया, उन्होंने भी गद्य का प्रयोग किया, ब्रजभाषा गद्य। रीतिकालीन समीक्षा के आदर्श के अनुकूल शास्त्रीय समीक्षा का प्रौढ़ उदाहरण है सरदार कविकृत मानस रहस्य। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा मिलता है उस समय समीक्षा का, मानस रहस्य सरदार कविकृत। यह ग्रंथ शूद्र शैली में लिखा गया है और सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। शूद्र शैली मतलब सूत्र के रूप में, छोटे छोटे सूत्रों के रूप में वहां पर उसका उन्होंने लिखा है। इसमें सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना दोनों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सैद्धांतिक आलोचना मतलब सिद्धांतों की स्थापना करना और व्यवहारिक मतलब किसी कृति के व्यवहारिक रूप में आलोचना करना। इसमें रामचरित मानस की आलोचना की गई है, व्याख्या की गई है, कहीं कहीं गद्य में भी विवेचन किया गया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है, निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहराए प्रभु सादर। तो भगवान राम क्या है, भूषण बनाकर माता सीता को पहनाते हैं, ऐसा कुछ अर्थ है, आप समझ सकते हैं। तो इस युग में आलोचना का आधार युगीन साहित्यिक, आलोचना का आधार युगीन साहित्यिक अपेक्षाएं होती है। मतलब जिस युग में वह साहित्य रचा जाता है उस समय उस युग की जो प्रवृत्तियां हैं, उस युग के साहित्य की जो अपेक्षाएं होती है उसके आधार पर हम उसकी आलोचना करते हैं। भक्तिकालीन और रीतिकालीन आलोचना के मानदंड आधुनिक साहित्य की आलोचना के लिए पर्याप्त न थे, अतः आलोचना को विकसित करना जरूरी हो गया था। क्योंकि भक्ति काल और रीति काल में आलोचना की कुछ स्थापित परंपरा नहीं थी, इसलिए जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल की आलोचना के लिए भक्ति काल और रीति काल के जो मापदंड थे वे अपर्याप्त थे, पर्याप्त नहीं थे, इसलिए वह धीरे धीरे विकास करते गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी। यदि मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।